हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों के रोजे कैसे जा रहे हैं? आई होप कि अच्छे ही जा रहे होंगे। मेरे भी अलहमदुल्ला अच्छे जा रहे हैं। मेरे से बहुत सारे सवाल ये भी आए कि तुम दिन में व्लॉगिंग क्यों नहीं करते, रमज़ान में रात में क्यों करते हो? यार, मैं सारा दिन सो रहा होता हूँ, मैं सिर्फ नमाज़ के लिए उठता हूँ और फिर उसके बाद वापस सो जाता हूँ, तो मेरी हिम्मत नहीं होती। आज का व्लॉग कुछ ख़ास नहीं है। आज के व्लॉग में हमें सबसे पहले जाना है अपने कपड़े देने, कहाँ देने और किधर देने, वो आप मेरे साथ चलें, मैं आपको बताता हूँ कहाँ देने। और अगर टाइम मिला तो बीएड भी बनवानी है क्योंकि दाढ़ी भी बहुत बड़ी हो चुकी है। तो अगर टाइम मिला, दाढ़ी के चांसेस 30-25% हैं, लेकिन 99% चांसेस हैं कि मुझे अपना सूट सिलने के लिए देना, तो देर हो जाएगी ज़्यादा। यार, सीन कुछ ऐसा है कि इस वक्त अभी हम जा रहे हैं अपना सूट देने के लिए, और अगर तो आप कराची में रहते हैं तो यहाँ का सबसे बड़ा मसला ये है कि आपको टाइम से पहले देना पड़ता है सूट, बिकॉज़ फिर बुकिंग सारी फुल हो जाती हैं और फिर कपड़े नहीं सिल पाते। तो ये फैक्ट है, ये रूल है, ये हर जगह का, स्पेशली पाकिस्तान का तो ये बहुत ज़्यादा रूल है। यहाँ पे लोग सिर्फ इतने 10 महीने में नहीं बनवाते जितने 1 महीने में इंसान यहाँ पे सूट बनवा लेते हैं सिर्फ ईद के लिए, और पहनना सिर्फ एक दिन होता है सलवार कमीज़। तो मैं सिर्फ एक सलवार कमीज़ सिलने के लिए देने जा रहा हूँ, बाकी नॉर्मल डेज में भी बनवाता रहता हूँ मैं, तो उसका इतना कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन हम अभी इस वक्त जा रहे हैं। ये जो आप रश देख रहे हैं ना सारा, ये देख रहे हैं बाइक्स और ये सारा कुछ, ये सारा गोल्ड मार्कर रश है, और हमने इससे भी आगे जाना है। जिससे हम कपड़े सिलवाते हैं वो एक्चुअली इन मार्केट में उसकी शॉप नहीं है, वो थोड़े सा आगे जाके, और मैंने आपको पहले ही कहा था वीडियो पे कि लोग इतनी शॉपिंग इस रमज़ान के महीने में करते हैं इतनी 11 महीने में नहीं करते होंगे। को चाहिए इबादत करें यार, क्या कपड़ों ईद के पीछे पड़ गए यार, अपनी बख्शिश करवाएं। कैसा अपना पजामे वाला पहनोगे? नहीं, 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 जैसे आपका गला है ना, ये शेरवानी, शेरवानी होता है। ये है कि जितना गार्ड में गिर सके उतना अच्छी बात, और साइड की एक पॉकेट से ओनली वन। सजा मिलेगा भाई, क्यों लिया था? मैं अपना ज़्यादा खुला नहीं बनता ऐसे, आपकी फिटिंग है ना, दामन स्ट्रेट होगा या बोल बोल आपका बोल है, दामन बोल होगा। शलवार का घेर अगर ज़्यादा आता है बस नॉर्मल ही हो, इतना ज़्यादा भी ना हो, जैसे बलोच पहनते हो उसको बस यार। इस वक्त मैंने अपना नाप दे दिया है, ठीक है, और ख़र्चे पे ख़र्चा हो रहा है, 2400 का ख़र्चा हो गया। यार दिल नहीं चाह रहा बीएड बनवाने का, बिकॉज़ अभी 9:30 हो रहे हैं और मुझे 10:30 बजे तक रेडी होना है, और आज जौहर में भी हमारा मैच है, तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, बट लेकिन इसको अलग पोस्ट करेंगे और उसको अलग पोस्ट। जी भैया, सूट दे के आ गए, और आज के सीन्स हमारे यही थे, ठीक है। बहुत दिनों के बाद मैंने कोई डेली लाइफ के ऊपर कोई ब्लॉग बना के डालना, क्योंकि पूरे 10 रोज़ हो गए मैंने कोई ब्लॉग नहीं डाला था। तो ये सिलवा कर आ गए हैं, 2400 का एक ये भी हमें टीका लग गया है ईद का। तो खैर, बियर्ड बनवाने का भी मैंने कहा था आप लोगों को, लेकिन
मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा क्योंकि 10 बज रहे थे, क्योंकि उसकी दुकान पे अगर मैं जाता भी जहाँ से मैं ब्रेड बनवाता हूँ तो वहाँ थोड़ा रश भी होता है और टाइम ज़्यादा लग जाता, इसीलिए मैं फिर गया नहीं, मैं वापस आ गया क्योंकि मैच खेलने भी जाना होता है हमें। तो आज हमारा है जौहर में मैच, तो आज के सीन्स ये थे, आज के ब्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद ट्रैवल ब्लॉग्स भी आएंगे और बहुत अच्छे से ब्लॉग्स आएंगे, बहुत कुछ सोचा हुआ है आपके भाई ने। इंशाल्लाह रील्स के ऊपर भी काम करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इंस्टाग्राम को भी सेट करना है वो भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह, कंटिन्यू लेके चलेंगे। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है, आप लोग सपोर्ट करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, अगर दिल जाए तो सब्सक्राइब भी कर दें मेरे चैनल को। थैंक यू, अल्लाह।